नमस्कार, स्वागत आपका धरातल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। किसान आंदोलन को लगभग 2 महीने हो गए हैं और ऐसे में हरियाणा के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा देकर के जहां किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान की है, वहीं पर उनके इस समर्थन को एक नई शक्ति प्रदान करने के लिए जगह जगहों पर जो किसान संगठन है वो गांव-गांव से एक जागृति यात्रा निकाल रहे हैं। और इस समय मैं पेड़ी मंदोरी गाँव के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर समस्त इस 45 क्षेत्र के अंदर ये जो यात्रा है, जो आप तस्वीरों में इस समय देख रहे हैं, ये यात्रा गाँव-गाँव जा रही है और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आने वाली 5 तारीख को चौधरी अभय सिंह चौटाला को चोपटा की अनाज मंडी के अंदर किसान केसरी अवार्ड से सम्मानित करने का काम ये जो किसान यूनियन है वो करेगी। और यहाँ पर जितने भी किसान यूनियन के जो भी किसान नेता आए हैं, किसान जो भी आए हैं, वो अपनी बात को किस प्रकार से मीडिया के सामने रख रहे हैं और उनका क्या संदेश आप लोगों के लिए है, वो भी चलिए हम आपको सुनवाते हैं। हमारी जी ये 45 किसान महापंचायत यात्रा है जो कि हम 3 दिन चलेगी हमारी पूरे 45 गाँवों में। वो इसलिए कि हमने 5 फरवरी को एक 45 किसान महापंचायत का आयोजन किया है चोपटा के अंदर, जिसके अंदर हम चौधरी अभय सिंह जी चौटाला को किसान केसरी सम्मान से सम्मानित करेंगे। क्योंकि जैसे चौधरी देवीलाल जी ने अपने पदों को ठुकराकर किसानों के साथ खड़े रहे थे, उसी तरीके से आज के दौर में एक ही नेता है चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, जिन्होंने सत्ता को ठुकराकर, एक ही सीट थी उसको भी ठुकराकर किसानों के साथ खड़े हुए हैं। इसलिए उनको हम केसरी सम्मान से सम्मानित करेंगे और ये पूरा 45 है जो वो उनको सम्मानित करने ज़्यादा से भारी संख्या के अंदर चोपटा की नई अनाज मंडी के अंदर 5 फरवरी को 11:15 बजे पहुँचेंगे। कहाँ से शुरू हुई है आज के दिन, कहाँ का, कौन कौन से गांव में आप गए? ये शेरपुरा गांव से शुरू हुई सुबह और आज फिर उसके बाद हम जोधका गए हैं, कुक्कड़ थाना, मोचीवाड़ी, डिंग मंडी, गदड़ी, नारायणखेड़ा, अब पीढ़ी मंदोरी, आगे हमारे प्रोग्राम है रूपाणा से लेके आगे जोगीवाड़ा तक और वापस फिर इधर नराणा से होके आज ख़त्म हो जाएगी और कल फिर कैरामवाड़ी से शुरू होएगी और पूरा रूट जैसे 13-14 गांव है और लास्ट दिन स्टार्ट होएगी ये ताजिया खेड़ा से और समाप्त होएगी दड़बा में। 5 तारीख को कोई दिल्ली जाने का भी प्रोग्राम? 5 तारीख को दिल्ली जाने का इसलिए प्रोग्राम नहीं है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने एक हमारे लिए एक मैसेज दिया है कि 5 तारीख को आप अपने अपने एरिया में प्रदर्शन कीजिए, अपने अपने एरिया में संयुक्त किसान मोर्चा का मोर्चा बनाइए, उसके बाद 6 तारीख को आप 3 घंटे के लिए पूरा चक्का जाम कर दीजिए, एक भी गाड़ी सड़कों पर चलनी नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो तानाशाह सरकार है ये हमारे ऊपर बार बार जो दबाव डालने की कोशिश कर रही है उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर मत करो, क्योंकि हम आम जनता को परेशान करने वाले लोग नहीं हैं, हमने कभी भी आम जनता को पिछले 2.5 महीने से परेशान नहीं किया है और हम आगे भी नहीं करेंगे। लेकिन ये सरकार बार बार चाहती ये है कि हम कोई गलत कदम उठाएं, इसलिए उसको एक बार और चेताने के लिए, उसको एक हमारी ताकत दिखाने के लिए हम एक संयुक्त चक्का जाम करेंगे 6 तारीख का। तो आपने कैसे सुना कि किसान नेता जो कह रहे हैं कि हमने सरकार को जिस प्रकार से बार बार आह्वान भी किया है कि आप इस कानून को जल्दी से वापस ले लीजिए, लेकिन ये सरकार इन कानूनों को वापस लेने में आनाकानी करती दिखाई दे रही है। ऐसे में आने वाली 6 तारीख को किसान संगठनों के आह्वान के ऊपर पूरे देश के अंदर रोड जाम करने की उनको एक मैसेज मिला है और इस मैसेज को आप भी, आपके लिए भी ये जनता के लिए मैसेज है कि आने वाली 6 तारीख को पूरे देश के अंदर चक्का जाम किया जाएगा, जिसमें पूरे के पूरे जितने भी सड़क रोड हैं उनको बंद किया जाएगा और किसी भी वाहन को निकलने नहीं दिया जाएगा। देखते रहिए धरातल न्यूज़। मैं हूं अपनी पूरी टीम के साथ सुदेश पुनिया।